हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यालय। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एफवाईजीसी में तीन वीडियोस देखे हैं, जहां पे पहला स्टार्टिंग में आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ाया था, सेकंड वीडियो में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाया था, थर्ड वीडियो में हमने गोल्डन रूल्स पढ़े थे डेबिट क्रेडिट के, और साथ ही साथ टेबुलेशन में किस तरह डेबिट और क्रेडिट एनालाइज करते हैं ये देख लिया था। फ्रेंड्स, आज हम लोग आगे जा रहे हैं और वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक नोन एज जर्नल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जर्नल। 11th स्टैंडर्ड में फ्रेंड्स आप जर्नल ये टॉपिक सीख रहे हो, जब तक कॉमर्स सेक्शन में पढ़ाई करोगे और अकाउंटिंग करोगे, कहीं ना कहीं ये जर्नल से रिलेटेड चीजें आती ही रहेंगी। यानी ये बेस है, बेसिक्स है। अगर ये प्रॉपर कर लिया तुमने एफवाईजीसी में, तो फ्रेंड्स आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहां पे तकलीफ रह गई तो डेफिनेटली हमेशा तकलीफ रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, अपने को ये जर्नल को थोड़ा अच्छी तरह से समझकर एंट्री सीख लेना है। सो आर यू रेडी, शुरू करें। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे पिछले वीडियोस में कि ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया गया। हाँ सर, याद कीजिए, डबल एंट्री सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लुका पैसियोली। फ्रेंड्स, अगर आपको याद आए तो सिखाया हुआ है, अगर कोई हमारे इस चैनल पे न्यू है तो पास्ट तीन वीडियोस देख सकता है। इसके लिंक में इस वीडियो के साथ सब्सक्राइब लिंक कर दूंगा, वीडियोस जरा प्लीज देख लेना। डबल एंट्री सिस्टम की बात करो, इंट्रोड्यूस किया था लुका पैसियोली ने। फ्रेंड्स, इस डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव टू इफेक्ट्स। एवरी ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन टू इफेक्ट्स, वन डेबिट क्रेडिट। एक डेबिट है, एक क्रेडिट है, बराबर है। नाउ डेबिट क्रेडिट करने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स थे, अगर आपको याद आए तो थोड़ा सा पहले याद दिला दूं। फ्रेंड्स, गोल्डन रूल्स अगर याद करें तो पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट करने के लिए रूल आपको क्या लगाना है। पर्सनल अकाउंट यानी अकाउंट ऑफ पर्सन्स, जब भी पर्सन्स का अकाउंट आएगा फ्रेंड्स, तो रूल लगाना है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब भी किसी इंसान को आप याद रखते हो, आपको इतना देखना है कि वो इंसान रिसीवर है कि गिवर है। अगर वो रिसीवर होगा तो डेबिट करना, गिवर होगा तो क्रेडिट करना, बराबर। इसको बहुत अच्छी तरह हमने पिछले वीडियोस में सीखा हुआ है। दूसरा था, याद करो, रियल अकाउंट वॉज अकाउंट ऑफ असेट्स। तो जब भी हम असेट्स अकाउंट आएगा, रियल अकाउंट आ जाएगा, तो रूल लगाएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर रियल अकाउंट है तो आपको यह देखना है कि कम्स इन या गोज आउट, कम्स इन या गोज आउट। कम्स इन तो डेबिट, गोज आउट तो क्रेडिट। अगर आ रहा है तो आप डेबिट करना, जा रहा है तो क्रेडिट करना। और तीसरा अकाउंट, हाँ सर, आपने तीसरा अकाउंट भी हमें बताया था उस वीडियो में। यस फ्रेंड्स, तीसरा अकाउंट मैंने आपको समझाया था, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था फ्रेंड्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स। जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट आएगा तो आपको देखना है कि एक्सपेंस या लॉसेस है या इनकम या गेन्स है। क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स, अगर एक्सपेंस या लॉस नजर आए तो डेबिट कर देना, इनकम या गेन नजर आए तो क्रेडिट कर देना। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने टेब्यूलेशन में सीखा था फ्रेंड्स, टेब्यूलेशन में, जहां पे आप धीरे धीरे आंसर भी देने लगे थे, बराबर। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, टेब्यूलेशन फॉर्म तो सीख लिया, शुरुआत अब ऐसे होती है कि अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब बनता है तो सबसे पहले जो बुक बनता है दोस्तों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो है जर्नल, वही है जर्नल। सर, व्हाट इज जर्नल? जर्नल इज नथिंग बट
प्राइम बुक ऑफ एंट्री, प्राइम बुक ऑफ एंट्री। प्राइम यानी पहला, सारा लेन देन, सारा लेन देन, सारा ट्रांजेक्शन अगर कहीं सबसे पहले रिकॉर्ड होता है दोस्तों तो वो है जर्नल, इसीलिए इसे प्राइम बुक ऑफ एंट्री कहा गया है। आके लिख देता हूं, ऑल ट्रांजेक्शंस, ऑल ट्रांजेक्शंस, ऑल ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल। कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसे जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। कौन से बुक में रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल बुक में। कोई भी ट्रांजेक्शन आ जाए, कोई भी लेन देन आ जाए, अगर सबसे पहले कहीं रिकॉर्ड होता है दोस्तों तो वो कौन सी बुक में रिकॉर्ड होता है? जर्नल बुक में रिकॉर्ड होता है फ्रेंड्स, जर्नल बुक में। इज इट क्लियर? तो जर्नल बुक में रिकॉर्ड हो गया। अब सवाल आप ये पूछोगे कि सर जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते कैसे हैं? बिल्कुल सही, वो समझाता हूं, लेकिन उसके पहले ये बता दूं कि द वर्ड जर्नल, द वर्ड जर्नल इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जॉर। फ्रेंच वर्ड से ये नाम आया। सो द वर्ड जर्नल इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जॉर विच मीन्स अ डे, एंड जर्नल मीन्स अ डेली रिकॉर्ड। जर्नल मीन्स डेली रिकॉर्ड। तो दोस्तों सारे ट्रांजेक्शंस, सारे ट्रांजेक्शंस डेली हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। आते हैं आगे फ्रेंड्स, अगर हम लोग तो यहां पे एक और बात समझाऊंगा, ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फ्रेंड्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज, डेट वाइज हर एक ट्रांजेक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। इज दैट क्लियर? जो पहले डेट को हुआ वो पहले, जो बाद में हुआ वो बाद में, तो डेट वाइज रिकॉर्डिंग होती है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात कि सबसे बड़ी बात रिकॉर्ड होता कैसे है तो ये अब समझाना है। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ एंट्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इस बुक में हमें एंट्रीज करना है, एंट्रीज करना है। यस फ्रेंड्स एंट्रीज करना है, और यही सिखाना है आपको कि किस तरह से आप एंट्रीज लिखते हो इन द बुक ऑफ जर्नल। सो चलिए शुरू करेंगे कि किस तरह से एंट्रीज लिखते हैं फ्रेंड्स। वो बताने के पहले आपको मैं फॉर्मेट बता दूं जर्नल का, कि किस तरह से जर्नल का फॉर्मेट होता है फ्रेंड्स। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो कुछ इस तरीके से देखिए फॉर्मेट बनता है। यहाँ पे छोटा सा एक फॉर्मेट बनाता हूं, बाद में सम करते वक्त बड़ा फॉर्मेट बनाएंगे। ये इस तरीके से दोस्तों, ये कॉलम्स होते हैं, ये फॉर्मेट्स होते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से, बराबर। ये है फ्रेंड्स जर्नल का फॉर्मेट। अगर मेरे को यहां पे लिखना हो तो ये लीजिए डेट, यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहां पे आ जाता है दोस्तों LF, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो यानी लेजर के बुक का फोलियो, यानी पेज नंबर, लेजर का पेज नंबर। यानी क्या है सर? ये क्या है? कुछ नहीं दोस्तों, जर्नल रिकॉर्ड करने के बाद ये सारा एंट्री लेजर में पोस्ट होता है। किधर पोस्ट होता है? लेजर में। तो जर्नल में हम यहां लिखते हैं कि ये एंट्री लेजर में कौन से पेज पे लिखा है, ताकि इजीली कभी देखे और कुछ ढूंढना हो तो फटाक से देख लें ये एंट्री लेजर में कौन से पेज पे है, ओके इस पेज पे, और तुरंत उस पेज पे चले जाएंगे, टाइम बच जाएगा। इसलिए लेजर का पेज नंबर लिखना रहता है यहाँ। और फिर
दोस्तों यहां पे आता है डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। डेबिट हुआ तो इस कॉलम में, क्रेडिट हुआ तो इस कॉलम में। दोस्तों इस तरीके से इसमें लिखा जाता है। यहां पे आपको लिख देता हूं, दिस इज नथिंग बट जर्नल बुक। तो जर्नल ऑफ डैश डैश डैश, जिस बंदे का भी बुक है जर्नल। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि लिखते कैसे हैं, तो जरा ध्यान दे दें आप लोग सभी फ्रेंड्स। यहां पे सबसे पहले तो डेट आता है, डेट, फिर कोई ना कोई अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डी आर डेबिट, और जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसको टू से लिखो, टू डैश अकाउंट। कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट, जो डेबिट हुआ उसके आगे डी आर, जो क्रेडिट हो रहा है वो टू से लिखने का, टू डैश अकाउंट। डेबिट हुआ है वो डेबिट में लिखो अमाउंट, क्रेडिट हुआ है क्रेडिट में लिखो। और फिर शॉर्ट एंड स्वीट एक एक्सप्लेनेशन दे देने का, बीइंग क्या हुआ, ये एंट्री किस चीज का है। दोस्तों ये जो आपके सामने पेश है, ये जो दिख रहा है, ये फुल फ्लेज, ये यहां से यहां तक इंक्लूडिंग नरेशन, इसे ही कहते हैं एंट्री। क्या कहते हैं? एंट्री। क्या कहते हैं? एंट्री। कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट, कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट। अरे सर ये क्या कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ समझा नहीं। जी समझेगा भी कैसे, अभी शुरुआत करना है लिखने का, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले क्यों ना हम एक फॉर्मेट बना ले अच्छे से। तो अगर आप मेरे साथ करना चाहते हो तो आप भी फॉर्मेट रेडी कर सकते हो फ्रेंड्स। आ जाता हूं, देखिए किस तरह से फॉर्मेट रेडी हो रहा है। ये फ्रेंड्स फॉर्मेट को रेडी कर दिया गया यहां पे। ये रहा, ये रहा, ये रहा। आप भी चाहें तो मेरे साथ फॉर्मेट रेडी कर सकते हैं। ये रहा फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने फॉर्मेट रेडी कर लिया जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए। यहां पे हेडिंग में मैं लिख देता हूं जर्नल ऑफ, और यहां पर आके फ्रेंड्स मैं लिख दे रहा हूं डेट, पर्टिक्यूलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ठीक है सर, ये सब तो ठीक है, कुछ एंट्री बताओ तो समझ में आए। आइए कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी दोस्तों, ये महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक है और यहां पे हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन पे, क्वेश्चन नंबर वन पे दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स बात कर ले क्वेश्चन नंबर वन की। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ आनंद जर्नल मर्चेंट। आनंद जर्नल मर्चेंट उसके बुक्स में कुछ एंट्रीज करना है, जर्नलाइज मतलब एंट्री पास करना है। एक तारीख को कुछ हुआ, अप्रैल 5 को कुछ हुआ, अप्रैल 7, अप्रैल 10, अप्रैल 15, अप्रैल 21, अप्रैल 27 और अप्रैल 30, इन दिनों कुछ लेन देन हुए हैं, वो आपको उसे जर्नलाइज करना है। तो जर्नलाइज करना है इन द बुक्स ऑफ आनंद मर्चेंट, तो क्यों ना मैं यहां पे आऊं और लिख दूं जर्नल ऑफ, जर्नल ऑफ जो हम देख रहे थे आनंद जर्नल मर्चेंट्स। तो यहां पे आके क्विकली अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख देता हूं जर्नल ऑफ आनंद जर्नल मर्चेंट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आ जाइए। 2019 अप्रैल 1 मिस्टर आनंद यानी ओनर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000। ये लीजिए, ओनर ने बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस में कितना रुपया लाया दोस्तों, कितना रुपया लाया? बिल्कुल सही, कितना रुपया लाया सर? 60,000 रुपए कैश लाए, कैश लाया, बराबर है दोस्तों। एक चीज तो पक्का है कि बिजनेस में कैश आ रहा है तो आप कैश को याद रखोगे, बराबर है। लेकिन फ्रेंड्स आप बताओ कैश तो आ गया, ये कैश किसने लाया? सर आनंद ने। आनंद कौन है? सर ओनर है। ओनर जब भी पैसा लाएगा तो हम क्या याद रखते हैं ओनर के लिए? कैपिटल। क्या याद रखते हैं? कैपिटल। तो फ्रेंड्स
यहाँ पे कौन सी दो चीजों को याद रखोगे, एक तो कैश जो बिजनेस में आ रहा है, और इस बार ये कैश ओनर ने दिया है। जब भी ओनर बिजनेस में कुछ लाता है तो हम कैपिटल को याद रखते हैं, यस और नो? हाँ सर। तो चलिए अब आपको जर्नल एंट्री करना है, बराबर, हाँ या ना? तो आइए फ्रेंड्स जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए कैश कौन सा अकाउंट है? सर कैश रियल अकाउंट है। तो रूल क्या था रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको बताना है बिजनेस के हिसाब से एंट्री करो, बिजनेस में कैश कम्स इन के गोज आउट। सर बिजनेस में कैश आया, कम्स इन डेबिट। आनंद के हिसाब से नहीं सोचने का, बिजनेस के हिसाब से सोचने का। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट। बात करो बिजनेस में पैसा किसने लाया, कैपिटल, ओनर ने लाया, ओनर ने लाया कैपिटल, पर्सनल अकाउंट। रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बताइए बिजनेस में पैसा किसने लाया? सर ओनर ने, ओनर इज गिवर। तो डेबिट की क्रेडिट, सर क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल सही। तो इन शॉर्ट कैश आ रहा है डेबिट, ओनर इज द गिवर क्रेडिट। क्या ये बात समझ में आई? एक बार फिर से बोलता हूं, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया। आपको बिजनेस के हिसाब से लेन देन को रिकॉर्ड करना। बोलिए बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश कम्स इन डेबिट, रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट के हिसाब से रूल लगाना है। तो बोलो कैश कम्स इन की गोज आउट, सर कम्स इन डेबिट। कैपिटल पर्सनल अकाउंट, रिसीवर या गिवर, रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपको ये बताना है ओनर बिजनेस में पैसा लाया तो रिसीवर के गिवर, सर गिवर है क्रेडिट। तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है दोस्तों। तो आप आ जाएंगे और फटाफट से ये बताइए अप्रैल 1, 2019 को कैसे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, जरा सभी लोग देखिएगा फटाफट से। 2019 अप्रैल 1, जैसा कि हमने देखा कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो जो डेबिट होगा वो पहले लिखना है, क्या डेबिट है सर? कैश। तो ये लीजिए कैश अकाउंट आ गया डेबिट। टू कैपिटल अकाउंट, ओनर इज द गिवर। तो जो डेबिट था उसके सामने डेबिट लिखा, जो क्रेडिट था वो टू से लिखने का। क्लियर? कितना पैसा लाया सर? 60,000 लाया। तो यहां पे आ जाएंगे और लिखेंगे कैश 60,000 आया और कैपिटल में 60,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, जितना डेबिट उतने का क्रेडिट होना चाहिए। तो कैश में डाल दिया और कैपिटल में लिख दिया, मतलब ओनर ने 60,000 रुपए लगाए। फ्रेंड्स नरेशन बीइंग, जो हुआ वो लिखो, क्या हुआ? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, शुरू किया विथ कैश, कैश लाकर बिजनेस शुरू किया। तो दोस्तों ये हमारी पहली जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? पहली जर्नल एंट्री। तो आ जाएंगे सेकंड, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 सिखाया हुआ है दोस्तों, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। हाँ सर याद करो, टेबुलेशन में सिखाया, हाँ सर परचेज गुड्स फॉर कैश। तो गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है, गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है। तो गुड्स कैश दोस्तों, गुड्स कौन सा गुड्स है? सर परचेज। तो हम परचेज को याद रखेंगे। अब ये बताइए परचेज कौन सा अकाउंट, परचेज कौन सा अकाउंट दोस्तों, परचेज कौन सा अकाउंट, फटाफट से। सर परचेज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो बताना है परचेज नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस के इनकम, परचेज एक्सपेंस के इनकम, सर एक्सपेंस। तो चलिए अगर वो एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा। और बात रही कैश की, कैश तो यहां लिख देता हूं कैश, कैश दोस्तों कौन सा अकाउंट है? रियल, रियल के हिसाब से रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपको बताना है कैश कम्स इन की गोज आउट, परचेस किया माल खरीदा पैसा दिया, कैश गोज आउट क्रेडिट। तो परचेज इज एन एक्सपेंस डेबिट,
कैश गोज आउट क्रेडिट, 30,000 रुपए का माल आया कैश गया, खर्चा हुआ पेमेंट किया। आ जाते हैं फटाफट अप्रैल 5, फिर से एंट्री लिख देते हैं अप्रैल 5 परचेस डेबिट। क्यों क्यों सर? एक्सपेंस ओके, कैश क्रेडिट क्यों गोज आउट, कितना रुपया 30,000। नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, गुड्स खरीदा कैश, गुड्स खरीदा कैश में। क्या ये क्लियर है? चलो क्या ये क्लियर है सारे बच्चे बताओ, क्या ये क्लियर है सारे बच्चे बताओ, क्या ये क्लियर है? चलो आगे ये भी हो गया दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। आ जाइए फ्रेंड्स, सेवेंथ, सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू सुरेश, सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू सुरेश, गुड्स बेचा सुरेश को। अच्छा ऑन कैश या ऑन क्रेडिट, क्या इधर बोला है ऑन कैश या ऑन क्रेडिट? नहीं सर, जब ऑन कैश या ऑन क्रेडिट नहीं बोला होता है तो हमें पहचानना होता है कि कैश में सेल किया है कि उधारी में सेल किया है, क्रेडिट में। सिंपल होता है पार्टी का नाम देखने का, अगर पार्टी का नाम दिया है तो उधारी में सेल हुआ और पार्टी का नाम नहीं दिया है तो कैश में हुआ। तो बताइए सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू सुरेश, ऑन कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, क्या पार्टी का नाम दिया है जिसको सेल किया? हाँ सर सुरेश। तो आप किसको याद रखोगे, गुड्स और सुरेश, गुड्स और सुरेश। चलिए ये गुड्स कौन सा गुड्स है सर? सेल्स, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, क्या करोगे डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट क्यों क्रेडिट, यस बिल्कुल सही सोच रहे हो सर, इनकम। सुरेश को याद रखोगे, सुरेश, सुरेश कौन सा अकाउंट, पर्सनल, क्या करोगे पर्सनल, सुरेश को माल बेचा सर, पर्सनल अकाउंट, सुरेश को माल बेचा, सुरेश रिसीवर है, यस सर, सुरेश डेबिट, क्यों डेबिट सर, रिसीवर है, तो सुरेश को माल बेचा बराबर सेल्स इनकम क्रेडिट, सुरेश रिसीवर डेबिट। तो जाएंगे फटाफट से, तो एंट्री क्या कर देंगे दोस्तों, फटाफट से बताओ एंट्री क्या कर देंगे इस बार, डेट बता देना जरा, तो आप डेट बता दो 7 तारीख को, सुरेश को माल बेचा है सो अप्रैल 7, सुरेश को माल बेचा, सुरेश इज द रिसीवर डेबिट, सेल्स इज इनकम क्रेडिट, ये तो लिख दिया दोस्तों, अमाउंट बता दे 10,000। तो फटाफट से आके 10,000, इज दिस पार्ट वेरी क्लियर टू यू? बराबर जैसा पिछले इसमें किया था बिल्कुल वही कर रहे हैं, बस अब एंट्री लिखना सीख रहे हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश, जो हुआ नरेशन में वो लिख देने का कि किस चीज की एंट्री है सर, माल सेल्स किया उसकी एंट्री है, तो लिख देने का नरेशन। आगे चलते हैं दोस्तों, परचेस फर्नीचर फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट 30,000, फर्नीचर लिया गोविंद से ऑन क्रेडिट, फर्नीचर लिया पर क्या पैसा दिया, फर्नीचर लिया पर क्या पैसा दिया, नहीं। तो दोस्तों फर्नीचर आ रहा है पर पैसा नहीं जा रहा है, उधारी में लिया, उधारी में लिया तो किसको याद रखते हैं, जीएस पार्टी को याद रखते हैं, तो बिल्कुल सही, फर्नीचर और जिससे लिया गोविंद को याद रखोगे, फर्नीचर रियल अकाउंट है, गोविंद पर्सनल अकाउंट है। चलिए डेबिट क्रेडिट करना है, फर्नीचर रियल अकाउंट के रूल से बोलिए डेबिट की क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट होगा क्यों, कम्स इन सर आपको कैसे पता चला, तो परचेज है, परचेज है सर, कम्स इन डेबिट, गोविंद पर्सनल अकाउंट डेबिट की क्रेडिट,
गोविंद पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल का रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गोविंद से क्या किया है खरीदा है। ओके तो गोविंद इज रिसीवर के गिवर, सर गोविंद तो गिवर है, गिवर है तो क्रेडिट, तो फर्नीचर कम्स इन डेबिट एंड गोविंद पर्सनल अकाउंट गिवर क्रेडिट, फर्नीचर कम्स इन इसलिए डेबिट, गोविंद इज गिवर इसलिए क्रेडिट। रूल लगाने का आराम से, पर्सनल है तो पर्सनल का रूल, रियल है तो रियल का रूल, फर्नीचर डेबिट गोविंद क्रेडिट 30,000 रुपीज के लिए। एंट्री क्या हो जाएगी अपनी दोस्तों, अप्रैल, क्या तारीख है अप्रैल, 10 तारीख है दोस्तों, आ जाते हैं अप्रैल 10, फर्नीचर कम्स इन डेबिट टू गोविंद क्रेडिट, 30,000 का फर्नीचर आ रहा है, गोविंद इज द गिवर, अमाउंट बराबर लिखा है हमने, हाँ सर आ जाइए। नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट, चलिए तो अप्रैल 10 तारीख की भी एंट्री हमने पास कर दी। आगे बढ़े अप्रैल 15, पेड फॉर रेंट 3,000, पेड बाय डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया दोस्तों, रेंट, रेंट पे किया, पे किया डेबिट कार्ड से मतलब पैसा गया, लेकिन डेबिट कार्ड से पे किया मतलब पैसा बैंक से गया, तो हम बैंक को याद रखेंगे हाँ के ना, रेंट का पेमेंट हुआ है डेबिट कार्ड से। अब दोस्तों याद करो, रेंट का पे किया डेबिट कार्ड से, तो रेंट और बैंक याद करो दोस्तों, रेंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल रियल नॉमिनल, सर रेंट नॉमिनल, क्यों सर खर्चा, बैंक, बैंक पर्सनल, तो आ जाइए दोस्तों रेंट नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट सर क्यों एक्सपेंस, बैंक, बैंक पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक से पेमेंट किया, तो बैंक इज पर्सनल अकाउंट, तो रिसीवर के गिवर, सर बैंक से पेमेंट हुआ, बैंक इज गिवर, तो गिवर है तो क्रेडिट, सो रेंट एक्सपेंस डेबिट, बैंक गिवर क्रेडिट। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे सब दोस्तों आपको आते चला जाएगा। तो आ जाते हैं फटाफट से एंट्री करने को अप्रैल 15 पे, अप्रैल 15 फ्रेंड्स, रेंट अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है, फिर से बोल रहा हूं रेंट क्यू डेबिट एक्सपेंस, बैंक क्यू क्रेडिट, सर पर्सनल अकाउंट, बैंक इज द गिवर। जरा अमाउंट बता दे तो कितना रेंट था 3,000, तो आ जाते हैं 3,000 बराबर। जब बात कर ले नरेशन की, तो नरेशन आप क्या लिखना पसंद करेंगे, तो नरेशन आएगा दोस्तों बीन रेंट पेड बाय डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड से हमने पेमेंट कर दिया दोस्तों। डेबिट कार्ड क्या होता है फ्रेंड्स, डेबिट कार्ड कुछ नहीं, एटीएम कार्ड जो बोलते हैं उसी तरह से डेबिट कार्ड होता है, आप कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड से पे किया, कुछ नहीं बैंक से पेमेंट हुआ। आगे चले फ्रेंड्स अगले ट्रांजेक्शन पे, 21 परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट 70,000, ये लीजिए गुड्स खरीदा ऑन क्रेडिट फ्रॉम उर्मिला, उधारी में, तो गुड्स लिया पर क्या पैसा दिया, नहीं सर गुड्स लिया पर पैसा नहीं दिया, तो सर उधारी में लिया बिल्कुल, किससे उर्मिला से, तो कौन सी दो चीज को याद रखोगे सर, एक तो गुड्स दूसरा उर्मिला, सर गुड्स के लिए कौन सा गुड्स है परचेस, बराबर परचेस, तो फ्रेंड्स परचेस दूसरा उर्मिला, परचेस नॉमिनल अकाउंट है, बोलो नॉमिनल अकाउंट है, तो ये एक्सपेंस के इनकम, अब आप फटाफट बोलना चाहिए ये परचेस एक्सपेंस के इनकम, बिल्कुल सही एक्सपेंस यानी डेबिट, और उर्मिला से खरीदा उर्मिला से लिया, तो उर्मिला
पर्सनल, अब पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से देखना है, रिसीवर के गिवर, बताओ उर्मिला रिसीवर के गिवर, सर उर्मिला से परचेस किया, हाँ तो उर्मिला से खरीदा, तो उर्मिला इज द गिवर, उर्मिला से खरीदा, उर्मिला गिवर थे, तो परचेस किया डेबिट एक्सपेंस, उर्मिला ने माल दिया, हमने परचेस किया, उर्मिला इज द गिवर क्रेडिट। सो एंट्री क्या आएगी, एंट्री क्या आएगी, अप्रैल 21 अप्रैल 21 परचेस डेबिट, क्यू सर एक्सपेंस, उर्मिला पर्सनल अकाउंट गिवर है, क्रेडिट द गिवर, कितना रुपया बताओ फटाफट से, 70,000, तो 70,000 रुपए क्रेडिट करोगे आप यहां पे। नरेश बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम उर्मिला, फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। तो दोस्तों यहां तक कंप्लीट हुआ अपना, या इसके आगे भी एंट्रीज है, हाँ सर 27 और 30, लेकिन यहां पे हमारा पेज कंप्लीट हो गया, फुल हो गया। दोस्तों अगर पेज पूरा हो जाए तो हमें टोटल ले लेना चाहिए और टोटल कैरी फॉरवर्ड कर देना चाहिए आगे नेक्स्ट पेज पे, तो टोटल ले लेंगे और टोटल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टोटल। तो आ जाइए फटाफट से टोटल लीजिए, सारे बच्चे बताएंगे टोटल कितना हुआ। यहां देखिए दोस्तों 60,000 प्लस 30, 90 और 10, 1 लakh, 1 lakh plus 30, 1 lakh 30, 1 lakh 30 plus 3, 1 lakh 33 plus 7, 2 lakh 3, 70, 2 lakh 3। तो दोस्तों 2,03,000, 2,03,000 रुपए, 2,03,000 डेबिट साइड 2,03,000 आ रहा है, तो क्रेडिट भी 2,03,000 ही होगा क्योंकि तो दोनों सेम अमाउंट लिखा है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। यहां दोस्तों आप लिखने का टोटल कैरीड फॉरवर्ड, CF मतलब कैरीड फॉरवर्ड, कैरीड फॉरवर्ड। और फिर जब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो दोस्तों हमें वापस से एंट्री तो पास करनी है, तो एंट्री जब आप पास करने वाले हो ये टोटल वहीं पे आगे ब्रॉड फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड कर दीजिएगा इस तरीके से, देखिए टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। पिछले पेज पे कितना टोटल था फटाफट से बताएं, पिछले पेज पे कितना टोटल था, सर पिछले पेज पे 2,03,000, ये जो टोटल क्लोज किया वो अगले पेज पे दोस्तों ब्रॉड फॉरवर्ड करने का, टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड 2,03,000, 2,03,000 बराबर। और आप मेरे को फटाफट से बताइए एक बार पर्सनल का रूल क्या था, यहां पे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यस डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, थोड़ा सा याद दिला रहा हूं, पर्सनल अकाउंट रहेगा तो हमें देखना है रिसीवर के गिवर, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यस और नो। तो अगर रियल अकाउंट दिखेगा तो देखने का है कम्स इन की गोज आउट और डेबिट क्रेडिट करने का, नॉमिनल अकाउंट दिखा तो रूल क्या है दोस्तों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी जब दोस्तों पर्सनल अकाउंट दिखेगा तो रिसीवर या गिवर देखना तो पता चलेगा ये डेबिट है कि क्रेडिट है, सामने वाला पर्सन रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। रियल अकाउंट दिखेगा तो देखने का कम्स इन के गोज आउट, अगर आ रहा है तो डेबिट बोलना, जा रहा है तो क्रेडिट बोलना है। नॉमिनल अकाउंट दिखे तो एक्सपेंस है या इनकम है, एक्सपेंस लॉस है तो डेबिट बोलना है, इनकम गेन है तो क्रेडिट बोलना। इज दैट क्लियर,
इज दैट क्लियर? ओके, चलिए थोड़ा सा मैंने आपको वापस रिवाइज करा ही दिया, आ जाते हैं। ये जर्नल था बेटा, जर्नल, जर्नल ऑफ आनंद जर्नल मर्चेंट, उसकी बुक में कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे चले गए, आ जाइए दोस्तों अगले ट्रांजेक्शन की तरफ, फटाफट से बता देंगे आप मेरे को। आ जाइए, पेड ट्रांसपोर्ट 1000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट, हमने पे किया ट्रांसपोर्ट के लिए टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। दोस्तों ट्रांसपोर्ट का पेमेंट किया टू यूनाइटेड, पेड मतलब एक चीज तो पक्का है, कैश गया दोस्तों, कैश गया, पैसा गया, पैसा गया यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को, 1000 रुपया दिया, मतलब 1000 रुपया क्या कागज पे 1000 रुपया लिख के दिया? जी नहीं, 1000 रुपया कागज पे नहीं दिया, पैसा दिया। तो हम पैसा जा रहा है, एक तो पक्का है कि कैश को याद रखो, दूसरा किसको याद रखो, यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को कि ट्रांसपोर्ट को? तो ट्रांसपोर्ट को सर, कोई भी खर्चा हुआ तो खर्चे को याद रखो, पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है? ट्रांसपोर्ट के लिए। तो फिर किसको दिया याद नहीं रखना, याद रखो क्यों जा रहा है, ट्रांसपोर्ट, पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है, ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ट्रांसपोर्ट का रखो बराबर। खाली ऐसा बोला होता पेड टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, दोस्तों देखो पेड टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, अगर ऐसा बोला होता खाली पेड टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, तब हम बोलते पैसा जा रहा है, क्यों मालूम नहीं किसके लिए, तब हम यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को याद रखते। अगर हमें पैसा जा रहा है, खर्चा दिया हुआ है, तो आप खर्चे को और कैश को याद रखो। अगर पैसा जा रहा है पर खर्चे का नाम नहीं दिया, खाली बोला है पेड टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, तब हम यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को याद रखते। यहां पे आप मेरे को क्लियरली बताइए, क्लियरली बताइए, क्या आपको खर्चे का नाम दिया है, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, बोलो फटाफट क्यों जा रहा है सर, ट्रांसपोर्ट, यस। तो आप ट्रांसपोर्ट को याद रखोगे दोस्तों, ट्रांसपोर्ट बराबर। तो आइए फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट को हम लोग याद रखते हैं बाय द नेम कैरेज, बाय द नेम कैरेज। चलिए तो ट्रांसपोर्ट को हम लोग याद रखते हैं बाय द नेम कैरेज फ्रेंड्स, यहां देखिए कैरेज, कैरेज ट्रांसपोर्ट के खर्चे को कैरेज बोलते हैं। तो कैरेज और कैश, तो आइए कैश कौन सा अकाउंट है सर, रियल, तो रूल है के हिसाब से याद करो, कम्स इन की गोज आउट, रियल है तो कम्स इन की गोज आउट सर, पे किया गोज आउट, क्रेडिट पे किया, क्यों पे किया सर, कैरेज, कैरेज गाड़ी भाड़ा सर, नॉमिनल एक्सपेंस है, गाड़ी भाड़ा पे किया, डेबिट, तो कैरेज डेबिट, कैश क्रेडिट। तो दोस्तों आके हम लिख देंगे 27 तारीख को 1000 रुपए के लिए, अप्रैल 27 कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 1000 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए बीइंग कैरेज पेड। आइए दोस्तों मैं थोड़ा और समझाना चाहूंगा, मुझे मालूम है थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में जरूर रहोगे, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान से सुनिए, ऐसा बोला रहता हूं बीइंग सैलरी पेड टू राहुल, बीइंग सैलरी पेड टू राहुल ₹5000। दोस्तों सैलरी पे किया राहुल को, पे किया, पे किया मतलब एक चीज तो पक्का है, कैश गया, क्यों गया कैश, तो सर सैलरी, अगर आपको सैलरी दिया है तब आप सैलरी और कैश को याद रखोगे, राहुल को याद नहीं रखोगे, समझा। लेकिन उसी तरह और एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए बीइंग रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ₹10000। फिर से रेंट पे किया, पे किया मतलब एक चीज तो पक्का है, कैश गया, तो आप कैश को याद रखोगे, कैश क्यों गया सर, भाड़ा, तो भाड़े को याद। तो जब भी क्यों का जवाब मिल जाता है तो फिर किसको दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इज दैट क्लियर। लेकिन अगर यहीं पे फ्रेंड्स मैं ऐसे बोलूं कि यहीं पे अगर आपको ऐसा आ जाए कि सैलरी
सॉरी सैलरी बोल रहा हूं, कैश पेड टू राहुल रुपीज 10,000। दोस्तों कैश पेड टू राहुल 10,000, कैश पे किया तो एक तो मैं कैश पे आ जाऊंगा, पेड टू राहुल 10,000। दोस्तों कैश पे क्या, राहुल को कैश जा रहा है, क्यों जा रहा है बोला है क्यों, क्या कोई खर्चे का नाम दिया है? जी नहीं, जब खर्चा नहीं दिया रहेगा तब किसको दिया याद रखेगा, कैश जा रहा है क्यों मालूम नहीं, तो किसको दिया राहुल को, तो कैश और राहुल, तब आप कैश और राहुल को याद रखते, क्या ये बात समझ में आई, बराबर है, बराबर है, क्लियर हाँ या ना। जैसे कैश पेड टू अमित, अब बताओ कैश पे किया अमित को रुपीज 1,000। दोस्तों कैश पे किया अमित को, बोलो कैश जा रहा है, हाँ सर कैश, और किसको याद रखोगे, कैश अमित को दिया, क्यों दिया बोला नहीं, तो कैश और अमित, तो इस तरीके से याद रखा जाता है। अगर कोई खर्चा दे दिया तो जब भी आप कोई भी खर्चा पे करोगे दोस्तों, तो आप खर्चे को और कैश को याद रखते हो, खर्चे को और कैश को याद रखते हो, क्या ये बात समझ में आई, चलिए वेरी गुड। लास्ट पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पेड टू उर्मिला 20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेड टू उर्मिला, हमने किसको पेमेंट किया, उर्मिला को, उर्मिला को, बट ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। दोस्तों अगर हमने उर्मिला को पे किया तो नॉर्मली हम लोग किसको याद रखेंगे, नॉर्मली हम लोग किसको याद रखेंगे, नॉर्मली हम लोग किसको याद रखते हैं, पेड टू उर्मिला बोला तो सर नॉर्मली आप तो याद रखोगे ही किसको, पेड टू उर्मिला बोला तो नॉर्मली हम लोग उर्मिला को और कैश को याद रखते हैं, पेड टू उर्मिला बोला होता तो, बराबर है। जैसे अभी हमने राहुल को पे किया तो राहुल और कैश, अमित को पे किया तो अमित और कैश, उर्मिला को पे किया तो उर्मिला और कैश, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह, पेड टू उर्मिला 20,000, कैश तो जा रहा है लेकिन हमने किसके कहने पे दिया, शर्मिला के कहने पे, ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, मतलब शर्मिला के कहने पे दिया, शर्मिला ने बोला कि तुम उर्मिला को पैसे दे दो, तो याद ये रखना है इंपॉर्टेंट कि शर्मिला के कहने पे दिया, तो उर्मिला हमारी कोई नहीं, हम उर्मिला को नहीं जानते, हम उर्मिला को नहीं जानते, हमने तो किसके कहने पे दिया, शर्मिला, तो अगर आपको ऐसा आ गया ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्सन तब आप इसको याद नहीं रखोगे, शर्मिला को याद रखोगे, यानी कौन सी दो चीज को याद रखने वाले हो यहाँ पे, आप फटाफट से बताओ कौन सी दो चीज को याद रखोगे, तो दोस्तों इस बार आप याद रखने वाले हो कैश और शर्मिला, कैश और शर्मिला, क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, फिर से बोल रहा हूं, हम एक तो कैश को याद रखेंगे, दूसरा उर्मिला को याद नहीं रखते, और बिहाफ ऑफ शर्मिला बुलाए तो हमने पैसा तो दिया लेकिन शर्मिला के कहने, उर्मिला हमारे लिए कोई नहीं, शर्मिला, हम ऐसा समझेंगे कि हमने शर्मिला को ही पेमेंट किया, खाली कलेक्ट करने उर्मिला आई, उर्मिला को बोल दिया था तू जाके पैसे ले लेना, तो उर्मिला को हमने पेमेंट किया लेकिन शर्मिला के कहने। चलिए बोलिए कैश कौन सा अकाउंट, सर रियल, कम्स इन की गोज आउट, सर पे किया गोज आउट क्रेडिट, किसको पे किया उर्मिला को, पर उर्मिला को याद नहीं रखोगे, आप किसको याद रखोगे, शर्मिला को, शर्मिला के कहने पे दिया यानी शर्मिला को याद रखो, शर्मिला पर्सनल अकाउंट, हमने पैसा दिया है मतलब रिसीवर है, भले से उर्मिला को मिला लेकिन हम लोग उर्मिला को रिसीवर नहीं बोलेंगे, हम लोग शर्मिला को ही रिसीवर कहेंगे और डेबिट करेंगे, शर्मिला रिसीवर है डेबिट, क्योंकि उसी के कहने पे हमने पेमेंट किया। तो दोस्तों हमारी एंट्री जो आएगी फटाफट से यहां बता देंगे, अप्रैल 28, चलिए दोस्तों अप्रैल 30 है, अप्रैल 30 तो आ जाते हैं फ्रेंड्स, अप्रैल 30 शर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश कितना रुपया, 20,000, तो शर्मिला टू कैश 20,000, शर्मिला टू कैश 20,000, नरेश बीइंग कैश पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, ये बात याद रखने वाली है, ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, इज दैट क्लियर।
अब दोस्तों बात कर लो, सम तो खत्म हो गया इसके टोटलिंग की। तो टोटलिंग अगर मैं फटाफट से लेना चाहूं तो 2,03,000 पिछले पेज का टोटल था, इस पेज पे 1,000 आया, 2,04,000 और 20,000, तो 2,24,000, 2,24,000, यस और नो, यस और नो, 2,24,000, ये हो गया दोस्तों। अब ये खत्म हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों अब थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूं, आप थोड़े कंफ्यूज तो जरूर होंगे, आ जाइए थोड़ा सा याद दिलाता हूं। ये देखिए, पेड कैश टू अमित, अब बोलिए पेड कैश टू अमित, आप किसको याद रखोगे दोस्तों? कैश अमित, सिंपल है, पेड कैश टू अमित, कैश पे किया, रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट, अमित रिसीवर डेबिट। तो हम लोग एंट्री करते हैं अमित अकाउंट डेबिट टू कैश, अमित टू कैश दोस्तों। लेकिन यही सेम क्वेश्चन पर ऐसा बोल दे, पे कैश टू अमित ऑन बिहाफ ऑफ सुमित, ऑन बिहाफ ऑफ सुमित, देखिए थोड़ा सा आपको रिपीट करवा रहा हूं, ऑन बिहाफ ऑफ सुमित, सुमित। अब बोलिए, अब आप किसको याद रखोगे? क्या अब आप कैश और अमित को याद रखोगे? कैश आपने दिया लेकिन अमित को दिया, पर किसके कहने पे? सुमित के कहने पे। तो अमित को याद नहीं रखोगे, किसको याद रखोगे? सुमित को। तो कैश गोज आउट रियल क्रेडिट, पर वैसे तो अमित को दिया, पर हम बोलेंगे सुमित को ही दिया, सुमित के कहने पे। तो सुमित पर्सनल अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या पास करोगे दोस्तों? सुमित अकाउंट डेबिट टू कैश। आई होप याद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा फर्क। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके, एक और एग्जाम्पल लेके बता देता हूं, पेड कैश टू सोहन, खाली इतना बोला पेड कैश टू सोहन, तो सोहन को पेमेंट किया, कैश जा रहा है सोहन के पास, एंट्री सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा बोल दे पेड कैश टू सोहन ऑन बिहाफ ऑफ रोहन, तब दोस्तों कहानी बदल जाएगी, कैश पे किया सोहन को लेकिन किसके कहने पे? रोहन के। तब हम सोहन को याद नहीं रखते, रोहन को याद रखें, कैश गया वैसे तो सोहन लेकिन हम बोलेंगे रोहन को दिया। तो हमारी एंट्री रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्लियर? तो यहां पे ऑन बिहाफ वाला पार्ट भी समझाया, ठीक है। सो विद दिस वी एंड अवर टुडे सेशन। फ्रेंड्स हमने जर्नल एंट्री सीख ली, बराबर है, जर्नल एंट्री सीख ली। ये पहला ही क्वेश्चन था दोस्तों, इलस्ट्रेशन वन। आपको आगे और भी वीडियोस प्रेजेंट करूंगा जहां पे और भी एंट्रीज हम करेंगे, ये बार बार रिपीट होगा और मेरा वादा है कि धीरे ही धीरे आपको ये एंट्रीज भी आने लगेगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, थोड़ा बहुत समझ रहा है, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो जरूर आप दूसरों से शेयर करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, थैंक्स अ लॉट।